बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम दैनिक राशिफल डेली हॉरोस्कोप पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को जिन लोगों का जन्मदिन आज है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। आपको हर खुशी मिले, आपका दिन यादगार गुजरे, इसके लिए आप एक छोटा सा काम जरूर करें। आज संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी के मंदिर में किसी प्रकार का डोनेशन जरूर दें, हो सके तो दूर्वा हरी घास, लाल पुष्प और मोदक उन्हें जरूर अर्पित करें, और उन लोगों के लिए भी करें जिनका जन्मदिन है लेकिन वो जीवित नहीं है, तो आप कुछ डोनेशन जरूर कर सकते हैं। आज 3 अक्टूबर बुधवार है। 3 अक्टूबर 1990 को ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को मिलाकर एक किया गया था, साथ ही कोलकाता में पहला और दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। भारतीय मूवी डायरेक्टर जेपी दत्ता, उड़ीसा के समाज सेवी और सार्वजनिक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण साहू का जन्म भी आज के दिन हुआ था। वैसे तो श्राद्ध पक्ष का एक दिन महिलाओं को समर्पित होता है, इस दिन को मातृनवमी के नाम से जाना जाता है जो आज है। शास्त्रों में बताया गया है कि परिवार में जिन महिलाओं की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा की संतुष्टि, मोक्ष की प्राप्ति और तृप्ति के लिए यह तिथि उत्तम है। इस दिन सुहागन स्त्रियों को भोजन करवाने से परिवार में मृत स्त्रियों की आत्मा तृप्त होती है। मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि मेरी माता जी जीवित नहीं है, मैं आज उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं और उन लोगों को आमंत्रित करता हूं जो मेरी माँ को सबसे ज्यादा प्रिय थे, जैसे उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी कोई सहेली, गांव का कोई इंसान। आप देखिए कितना लाभ मिलता, पुण्य मिलता, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। करिएगा जरूर, आत्मा तृप्त हो जाएगी आपकी और उनकी भी। आज चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र के मिथुन राशि में शाम 4:45 तक रहेंगे। उसके बाद कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में रात को 11:23 तक रहेंगे। बाद में पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे, बहुत सुंदर राजयोग बनेगा। अश्विन कृष्ण पक्ष नवमी तिथि पूरे दिन रहेगी। शुभ दिन तो वैसे नहीं होता है क्योंकि श्राद्ध पक्ष में कैसा शुभ दिन, लेकिन फिर भी आपको आज ग्रहों से बनने वाले विशेष राजयोग का लाभ मिलेगा। शंख योग, बुधादित्य योग और दोपहर के बाद गज के श्री योग का लाभ मिलेगा। और हमेशा की तरह मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वाले लोगों को रोचक योग का लाभ मिलेगा और मालवीय योग का भी। वहीं दोपहर को 4:45 के बाद चंद्र राहु का ग्रहण दोष भी बनने वाला है। केमद्रुम दोष से निकल के चंद्रमा ग्रहण बना रहे। आज नवमी का श्राद्ध है। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, यात्रा और खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके लिए जरूरी है तो सुबह 7 से 9 के बीच में या फिर शाम को 5 से 6 के बीच में काम कर सकते हैं। हो सके तो दोपहर 12 से 1:30 तक राहु काल में इस काम को ना करें और ना इसकी शुरुआत करें। मैं 5 अक्टूबर को दुबई में, 6 अक्टूबर को मुंबई, 7 अक्टूबर को रायपुर छत्तीसगढ़ और 12 अक्टूबर को दिल्ली में रहूंगा। अगर आप इन शहरों में इसके आसपास रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको आज को सफल बनाने का मेरा गुरु मंत्र बता रहा हूं, जिसे आप हो सके तो अपनाइएगा। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिला है। इसलिए आज टाइम मैनेजमेंट को पक्का कर लीजिएगा और हर वो काम करिए और दिखा दीजिए कि आपके पास उतना ही समय है जो सबके पास, और मैंने उस समय को बेहतर ढंग से यूज किया है। आज की जो ग्रहों की बात करें तो कर्क राशि ग्रह हुआ है, चंद्रमा दोपहर के बाद आ जाएंगे, साथ में ग्रहण बनेगा। सूर्य बुध कन्या राशि में, शुक्र गुरु का शंख योग तुला राशि में, धनु राशि में शनि विराजमान है और मंगल उच्च राशि के केतु के साथ मकर राशि में अंगारक दोष बना रहे हैं। इसी से मैंने तैयार किया है आपका राशिफल। आज आपको हर हाल में दोपहर तक अपने भाई बहन, छोटे जो परिवार के सदस्य हैं, अपने से कजिन जो है उन पर विशेष किसी प्रकार की कृपा रखनी, उनकी हेल्प करनी है। उसके बाद आपका पूरा ध्यान अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने की तरफ होना चाहिए। बिजनेस पे बहुत संभल के चलना पड़ेगा, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट या खरीदारी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। आज कोई नई चीज़ खरीद के लाएंगे वो भी खराब निकल सकती है, तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। आप कोई भी बड़ी बात को आज भूलिएगा मत, अपने अपमान किसी ने किया था उसको याद रखिएगा और सही मौके की तलाश करिए और पुनः वो कर्म करके आपको लाभ मिलेगा। इस बारे में कभी और विचार भी किया जा सकता है। परिवार में पुराने लेन देन से या लेन देन को लेकर किसी से विवाद भी हो सकता है, जिससे आप पैसा मांगते हैं उससे झगड़ा भी हो सकता है। लव लाइफ भी तनाव भरी हो सकती है। स्टूडेंट को आज खासी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। लकी कलर ब्राउन, नंबर 7 शुभ है, शुभ अल्फाबेट IELN है। D और T से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कार्य दिशा पूर्व रहेगी।
वृषभ राशि वाले लोगों का आज अपना पूरा ध्यान जुबान पर ध्यान देना चाहिए, शांति बनाए रखें। जितना आप साइलेंस की पावर रखेंगे उतना लाभ मिलेगा। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो 5:15 बजे शाम के बाद लीजिएगा। और अपने भाई बहन अपने मित्र पर आज विशेष कृपा आपको बरसानी है। कार्यक्षेत्र और बिजनेस में फायदा कम मिलेगा, लेकिन मेहनत पूरी करने से आज की मेहनत का कल लाभ मिलेगा। आपको कोई कठिन कार्य लगता है तो उस पर पूरी जी जान से लग जाइए, वो आसान कर देंगे। आप लगातार मेहनत करने से आज आपको सफलता मिलेगी। वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, मूर्ख लोगों से दूर रहना चाहिए। पार्टनर की भावनाओं को सम्मान देना चाहिए, उनकी अपमान नहीं करना चाहिए। लव लाइफ के लिए आज का दिन सामान्य गुजरेगा। स्टूडेंट के लिए आज का दिन ठीक ठाक गुजरेगा। पेट के रोग परेशान कर सकते हैं और थोड़ा सा अनइजीनेस फील होगी आपको। लकी कलर ग्रे, नंबर 1 शुभ है, शुभ अल्फाबेट BLO है। D और J से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कारण दिशा पश्चिम रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों को हर हाल में अपने बुद्धि की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने कॉमन सेंस, अपने इंटेलिजेंस, अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए ध्यान देना चाहिए। और बाद में आपको शाम होते होते अपने धन के प्रति ध्यान देना चाहिए कि कहां से धन आ सकता है उस पर विचार करिए। बिजनेस हो या जॉब हो, वर्क प्लेस पर आपका दिन थोड़ा सा तकलीफ भरा गुजरेगा किसी और की वजह से। पुरानी समस्या, पुरानी रंजिश खत्म होने के बजाय वापस नए ढंग से उजागर हो सकती है। परिवार में आज कोई व्यक्ति आपके भावनात्मक तौर पर इमोशनल अत्याचार आप पर कर सकता है। लव लाइफ में भी ये सब चीजें हो सकती है, इसलिए आज दूरी बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करिए, लाभ मिलेगा। स्टूडेंट के लिए आज का दिन खासा अच्छा रहेगा। भोजन में ध्यान दीजिए, वो चीजें खाइए जो आपके तन को लगे, वो चीजें नहीं जो सिर्फ मन को खुश करे। लकी कलर पिंक, नंबर 3 शुभ है, शुभ अल्फाबेट ELO है। P और S से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कारण दिशा उत्तर रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों का आज अपना पूरा ध्यान खर्चों और धन को बटोरने के लिए होना चाहिए। खर्चों पर अंकुश लगाइए, धन को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए और स्वयं के जो विचार है उस पर विचार मंथन वापस करिए। करियर से जुड़ी हुई विशेष खबर आज आपको लाभ देगी, जिसकी मेहनत आपने पहले की थी। लोगों से मिलने के लिए आज एक माहौल अच्छा बनाइए और एक ग्रुप डिस्कशन करिए, परिवार हो, ऑफिस में, कहीं पर भी, बड़ा लाभ मिलेगा। परिवार में आज होने वाले किसी खास बातचीत का लाभ आपको मिलेगा। आज प्रॉपर्टी के विवाद को आप सुलझा सकते हैं। लव लाइफ में कुछ दोस्तों के साथ खास आप समय बिताइए। किसी से भी संबंध न बिगड़े इसके लिए आपको ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। स्टूडेंट आज किसी प्रोजेक्ट के पूरा होने से बहुत खुश होंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करिए, लाभ मिलने जा रहा है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता रहेगी। लकी कलर व्हाइट, नंबर 6 शुभ है, शुभ अल्फाबेट IJL है। S और R से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आज हर हाल में बड़ी खबर आपको धन को लेकर आ सकती है। पुराना रुका हुआ पैसा मिल सकता है जिससे आपके अधूरे खर्चे पूरे हो सकते हैं। आज यात्रा हो सकती है, यात्रा की प्लानिंग भी हो सकती है। ऑफिस के कुछ मामलों में आप सफल होंगे। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इनकम बढ़ाने की कोशिश आज आपकी कामयाब हो सकती है। वर्क प्लेस, उच्च अधिकारी, किसी बड़े ऑफिसर से मिलकर या पॉलिटिशियन से मिलकर आप खुश होंगे, आपका काम बन सकता है। परिवार के किसी तनाव को आज आप खत्म कर पाएंगे। लव लाइफ में आ रही परेशानियों से भी आपको निजात मिलेगी। स्टूडेंट किसी बात को लेकर विशेष वाद विवाद में न पड़े, वरना नुकसान मिलेगा। मुस्कुराहट से आप काम कराइए, निश्चित तौर पर आज आपको बड़ा लाभ मिलेगा। लकी कलर स्काई ब्लू, नंबर 5 शुभ है, शुभ अल्फाबेट AIM है। N और T से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कार्य दिशा उत्तर रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने कर्म पर देना चाहिए और अपने पिता के आशीर्वाद से बिल्कुल भी वंचित रहें। शाम के समय आप अपने इनकम को बढ़ाइए और अपने खर्चों पर ध्यान दीजिए कि कौन सी इनकम कहां से हो सकती है जिससे मैं खर्चे पूरे कर सकता हूं, इस पर विचार मंथन कीजिए। नौकरी हो या व्यापार के कुछ विशेष मामले आज आपके उलझ जाएंगे। कुछ मामले आपको टेंशन भी ज्यादा दे सकते हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशन भी नुकसान दे सकते हैं। परिवार में पैसों की टेंशन को लेकर थोड़ा सा विशेष आप चिंतन करें, बेटर रहेगा। परिवार के मामले सुलझाने में थोड़ी सी आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, थोड़ी सी सुलझ समझदारी रखेंगे तो सुलझ जाएंगे मामले। लव लाइफ में आज बहस से आपका नुकसान होगा, संभल कर रहें। स्टूडेंट के लिए आज का दिन सामान्य दिनों से बेहतर रहेगा। कमर में दर्द और जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। लकी कलर सिल्वर, नंबर 3 शुभ है, शुभ अल्फाबेट DMR है। F और V से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कार्य दिशा पश्चिम रहेगी। तुला राशि वाले लोगों के लिए आज अपने हर हाल में अपने भाग्य को चमकाने का दिन रहेगा और कर्म पर विशेष ध्यान दीजिए, आपको बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। बिजनेस हो या वर्क प्लेस पर आपके मन के मुताबिक काम हो सकता है। जब तक काम पूरा ना हो तब तक साइलेंट रहे। संकोच आज मत करेगा, हेजिटेशन मत रखिएगा, लो कॉन्फिडेंस बिल्कुल फील मत करिएगा। आप कॉन्फिडेंट होकर काम करिए, आधी जंग तो ऐसे ही जीत जाएंगे। हेजिटेशन, संकोच के कारण आप अच्छे खासे मौके भी गंवा देंगे। जीवन साथी और लव लाइफ पे अपने मन की बात जरूर बताइए और उनके भावनाओं की कदर करिए, बड़ा लाभ मिल सकता है, शांति मिलेगी आपको।
स्टूडेंट के लिए आज का दिन वाकई में लाजवाब गुजरेगा। अच्छी पढ़ाई से उनको बहुत कॉन्फिडेंस में फील होगा। दर्द पहले से कम हो रहा है, हेल्थ पहले से बेटर हो रही है। लकी कलर मैरून, नंबर 1 शुभ है, शुभ अल्फाबेट JOR है। N और S से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कार्य दिशा दक्षिण रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आज हर हाल में किसी आकस्मिक दुर्घटना और आकस्मिक लाभ दोनों की स्थिति बन रही है, तो कुछ अचानक चीजें आज आपके साथ हो जाएगी, तो परिवर्तन की तरफ आपको लेकर जा रहा है। आप पुराने डरे पर मत रहिएगा, आज कोई इनको डेवलपमेंट जरूर करिए, परिवर्तन करिए, तब जाकर आपका भाग्य चमकेगा। आज किसी धार्मिक जगह पर जरूर जाइए घूमने के लिए, आशीर्वाद दीजिए बड़े बुजुर्गों का, परेशानी हल हो जाएगी। बिजनेस में आज किसी जोखिम भरे निवेश की तरफ से बचना चाहिए, लाभ मिलेगा। मेहनत ज्यादा करनी है तभी स्टूडेंट को लाभ मिल पाएगा। लव लाइफ में आज किसी झगड़े से शुरुआत होगी लेकिन अंत बहुत सुखद होगा। अपनी वाणी पर बहुत संयम रखिए, तोल बोल कर बोलिए, दिन इतना बढ़िया गुजरेगा, मजा आ जाएगा। स्टूडेंट के लिए आज का दिन सफलता भरा रहेगा। लकी कलर ग्रीन, नंबर 8 शुभ है, शुभ अल्फाबेट LNR है। T और U से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कार्य दिशा पश्चिम रहेगी। धनुराशि वाले लोगों के लिए आज हर हाल में अपने जीवन साथी की तरफ, अपने लव लाइफ की तरफ, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जो कंसर्न रखते हैं आपके लिए, वो सब कुछ कर सकते हैं, उन पर अपना पूरा ध्यान फोकस करिएगा। और दूसरा ध्यान होना चाहिए कर्ज को खत्म करना, इनकम को प्राप्त करना। अपने जॉब और बिजनेस से जुड़ी हुई कार्य क्षमताएं आपकी बहुत बढ़िया है, उस एफिशिएंसी को दिखाइए और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। आपको मदद मांगने की बजाय मदद आज करनी चाहिए। आज आपको जोखिम भरा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, नुकसान होगा। हाँ, 4:15 बजे के बाद किसी विशेष मीटिंग की तरफ जा सकते हैं और बड़ा खर्चा हो तो कर सकते हैं। परिवार में अचानक आई कोई बड़ी समस्या या रोग या किसी प्रकार की परेशानी आपकी जिम्मेदारियों की तरफ लेकर जाएगी, जिसे आप पूरा कर सकते हैं। लव लाइफ पहले से बेटर है। स्टूडेंट के आज का दिन विवादों से निकलकर बेहतरी की तरफ जाएगा। कान और दांतों में दर्द परेशान कर सकता है। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 2 शुभ है, शुभ अल्फाबेट KRV है। L और O से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कार्य दिशा पूर्व रहेगी। मकर राशि वाले लोगों के लिए आज अपना पूरा ध्यान अपने दुश्मनों की तरफ होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान देके अपनी एक स्पेशल योजना बनाइए, युक्ति तैयार कीजिए, आगे बढ़िए, लाभ मिलेगा। बिजनेस और वर्क प्लेस पर आज आपको कुछ नए रोचक मौके भी मिलेंगे। आपको जहां जैसी जरूरत है वैसे काम जरूर करना चाहिए, मदद मिलेगी, मदद करनी भी होगी, धन लाभ भी आज आपका अच्छा होगा। रुके हुए काम पूरे होने में कुछ एंड में आता है तो काम रुक सकता है, वो भी आपकी वजह से, उस पर पूरी योजना बनाइए, आगे बढ़िए। परिवार और जीवन साथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा। आप आज बहुत खुश रहेंगे, किसी स्पेशल मौके की तलाश में थे जो आपको मिल सकता है। प्रेम के मामले में थोड़ी सी सुस्ती रहेगी। स्टूडेंट आज आलस्य के कारण ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जोड़ों में दर्द आपको परेशान कर सकता है। लकी कलर 6 शुभ अल्फाबेट GNR है। B और I से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कार्य दिशा उत्तर रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज बहुत अच्छा दिन रहेगा। आज आपके बुद्धि और जुबान से बड़े काम आपके हो जाएंगे और धन भी आ जाएगा और खर्चा भी पूरा हो जाएगा। आज आपको किसी विशेष तकलीफ से छुटकारा मिलने का लाभ मिल सकता है। कुछ कामों में आपकी किस्मत आपका साथ देगी, कुछ में नहीं भी देगी। आपके काम कुछ अटकेंगे, कुछ पूरे होंगे, लेकिन जो पूरे होंगे उस पर ध्यान ज्यादा दीजिए। परिवार के किसी मामले को सुलझाने की वजह से आज घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस झगड़ा फसाद चल रहा था वो या तो बढ़ सकता है या पूरा ही खत्म हो सकता है। एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, थोड़ा सा समर्पण का भाव रखिए, लाभ ही लाभ मिलेगा। आपका दिल और दिमाग बेहतर हो उसके लिए आपको अलग दिशा में काम करना होगा। स्टूडेंट आज कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। आज आपको दांतों में दर्द या सर दर्द की परेशानी हो सकती है। लकी कलर गोल्डन, नंबर 7 शुभ है, शुभ अल्फाबेट FLR है। N और S से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कार्य दिशा दक्षिण रहेगी। मीन राशि वाले लोगों के लिए आज हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने माता पिता के स्वास्थ्य की तरफ होना चाहिए, उनके आशीर्वाद की तरफ होना चाहिए, और उनके पास आधे घंटे बैठकर पैर दबाइए और सोचिए, उनको पूछिए वो क्या चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा करिए, लाभ ही लाभ आपको मिलने जा रहा है। अपनी स्थिति को लेकर आप कोई गलत फैसला नहीं करें, ध्यान रखिएगा। आपका माइंड वेवरिंग है, फिकल माइंड है, आज आप टेंशन और डिप्रेशन में रह सकते हैं, जिस वजह से आप डिसीजन गलत ले सकते हैं, तो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कोई नई चुनौती मिलती है तो उसे एक्सेप्ट करिए, पूरे दमखम के साथ उस पर आगे बढ़ जाइए, बोलिए मत, करिए, लाभ मिलेगा। आज स्टूडेंट और लव लाइफ में ठीक ठाक स्थिति रहेगी। किसी झगड़े की वजह से आप दोनों को परेशानी हो सकती है। थकान, अनिद्रा और आलस्य परेशान करेगी। लकी कलर रेड, नंबर 3 शुभ है, शुभ अल्फाबेट MPR है। L और R से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। आइए अब मैं वो खास उपाय आप सभी को बताता हूं जो आपके लिए भाग्योदय कारक हो सकता है।
आज के दिन कार्य सिद्धि के लिए, विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए घर से या बाजार से 3 लग्न मंडप सुपारी और उस पर कुमकुम से तिलक कर भगवान श्री गणेश जी का ध्यान कर उन तीनों को अक्षत चढ़ाइए और लाल कपड़े में 11 अक्षत के साथ डालकर दिन भर अपने पास रखें और शाम को या अगले दिन तीनों सुपारी को कपड़े से निकालकर चावल सहित पेड़ पौधे में डाल दें, कपड़े को वापस काम में ले लें, विशेष कार्य सिद्धि हो जाएगी। आप सभी के लिए विशेष खुशखबरी है कि 8 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या पर मैं आप सभी के लिए आपके पितरों को शांत और सुखी करने के लिए, उनकी मोक्ष प्राप्ति और तृप्ति के लिए विशेष लाइव टेलीकास्ट का आयोजन कर रहा हूं, जिसमें आप विशेष जानकारी हमारे 02912799000 पर ले सकते हैं। ग्रहों का खेल .co.in पर विशेष जानकारी या वेबसाइट पर अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारे मसलों को हल कर सकते हैं। ग्रहों का खेल मासिक पत्रिका के सदस्य बने और लाभ कमाइए। मैंने बड़ी मेहनत करके 2019 का राशिफल तैयार किया जो अब स्टैंड पर आ चुका है, दुकानों में आ चुका है। आप उस राशिफल को जरूर पढ़ें और अपनी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट उपायों को करके बहुत अच्छी चीजें हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप जोधपुर कार्यालय संपर्क करके यहां से भी मंगवा सकते हैं। आपके हर मुराद पूरी हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और इस वक्त अपनी वाणी को विराम देने के लिए आप सभी से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार और प्यार भरा आशीर्वाद। जीवन में हम सबको समस्याएं जरूर आती हैं, लेकिन अगर समस्या शब्द बना है तो समाधान शब्द भी बना है। हम सबको कोई भी तकलीफ जीवन में हो सकती है, ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद ही है, लेकिन कब दूर होगी, उसको माइल्ड करने के लिए कैसे हम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे बरसात में हम छाता खोलते हैं तो बरसात थोड़ी बंद होती है, लेकिन हम नहीं भीगते हैं। तो हम अपने बचाव के लिए ऐसा कौन सा उपाय करें जो हमारी जिंदगी में आ रही या आने वाली तकलीफों को कम या खत्म कर सकता है। इसके लिए आप मुझसे अपने शहर में पर्सनली मिल सकते हैं। इसमें 5 अक्टूबर को मैं दुबई में हूं, 6 और 28 अक्टूबर को मुंबई में, 7 अक्टूबर को रायपुर छत्तीसगढ़ में, 12, 26 और 27 अक्टूबर को मैं दिल्ली में रहूंगा, 13 अक्टूबर को हैदराबाद, 14 अक्टूबर को बंगलुरु, 19 अक्टूबर को गुड़गांव जिसे हम गुरुग्राम के नाम से आजकल जानते हैं, 20 अक्टूबर को रांची झारखंड, 21 अक्टूबर कोलकाता और वहीं 29 अक्टूबर पुणे और 30 अक्टूबर को भोपाल में रहूंगा। इन शहरों में या इसके आसपास अगर आप रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। इसके लिए अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर को पूरा करने के लिए मैं आपको 3 नंबर दे रहा हूं, जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने पूरे प्रोसीजर को जान के आप मुझसे मिल सकते हैं। 02912799000 और 9314728165 और 9829026625 इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और प्यार भरा आशीर्वाद। नवदुर्गा शक्ति साधना। हमारा जीवन हजारों बाधाओं से घिरा हुआ है, ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में अनेक शत्रु हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, कठिनाइयां व समस्याएं हैं। हम गरीबी से लड़ रहे हैं, शारीरिक व मानसिक कष्टों से जूझ रहे हैं, साथ ही व्यापार में आई न्यूनता व पारिवारिक तनाव से घिरे हुए हैं। फिर आखिर कौन सा रास्ता है जिसके माध्यम से हम निर्भय व सुखी रह सके? ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प नजर आता है और वह है माँ का द्वार। तो आइए नवरात्र के महापावन पर्व पर संपन्न करें नव दुर्गा शक्ति साधना और माँ को प्रसन्न कर पाएंगे उनका आशीर्वाद। साधना पैकेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 9829026625 9314728165। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आए। इसका एक ही मार्ग है, वो है साधनाओं के पथ पर चलकर हमें खुशियां मिल सकती है। हम अगर गरीब या निर्धन पैदा हुए हैं तो हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन हमें ऐसे ही मरना नहीं है। इसके लिए हमें माँ लक्ष्मी को मनाना है और माँ लक्ष्मी को हम मनाएंगे इस दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व पर उन छोटी छोटी साधनाओं, छोटे छोटे प्रयोग और छोटे छोटे मंत्रों से।
माँ लक्ष्मी 100% हमारे ऊपर कृपा बरसाएगी और हमारी हर खुशी को पूर्ण करेगी, क्योंकि हम कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद अगर हमें सही परिणाम नहीं मिल पाते तो निश्चित रूप से हम दुखी होते हैं। इसका रास्ता मैंने खोज लिया है, वो है पंच दिवसीय संपूर्ण महालक्ष्मी पूजा के द्वारा। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पिछले जन्म का असर है, हमें मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं मिल पाता है, बिजनेस में मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं मिल पाता है, नौकरी में मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं मिल पाता है, घर में एक अशांति का वातावरण रहता है। तो याद रखिएगा, जिस घर में शांति है वहां सुख होगा और वहीं समृद्धि होगी। तो सबसे पहले वह शांति खोजनी होगी अपने भीतर। मैं आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के सभी विद्वान पंडितों के साथ आप सभी भक्तों शिष्यों साधकों के लिए और मां लक्ष्मी के विशेष कृपा को आप तक पहुंचाने के लिए पंच दिवसीय संपूर्ण दीपावली पूजन पैकेट का हमने निर्माण किया है। नवरात्रि में उसको अभिमंत्रित कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित और मंत्र चैतन्य योग कर रहे हैं, उसके बाद ये आप सभी के घरों पर पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए आपको हमारे जोधपुर कार्यालय में दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने एड्रेस को नोट करवा सकते हैं और संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सही और सटीक विधि से अगर हम मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो ये दीपावली हमारे लिए यादगार साबित होगी और यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधना पैकेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 9829026625, 9314728165।